वेलकम टू अवर चैनल। आज है 12 मई 2020। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चंस। जितने भी करंट अफेयर्स 12 मई 2020 में से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों, इस कंप्लीट वीडियो का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था, सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। किस बैंक ने अपनी अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कोरोना वायरस के प्रभाव का प्रबंधन करने के लिए बांग्लादेश को $500 मिलियन की ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शन एनडीबी, एडीबी, विश्व बैंक, एआईआईबी। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, एडीबी। एडीबी की फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी के प्रेसिडेंट कौन है? मस्तासुगा अशाकावा। एडीबी कब स्थापित किए गए? तो 19 दिसंबर 1966 में। एडीबी के हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक के चीफ कौन है? केवी कमात। विश्व बैंक के मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। एआईआईबी के फुल फॉर्म क्या है? एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एआईआईबी के अध्यक्ष कौन है? जीन लिंक्विन। कौन है? जीन लिंक्विन। एआईआईबी के मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग चाइना में है। और एआईआईबी कब स्थापित किए गए? तो 25 दिसंबर 2015 में। बांग्लादेश, बांग्लादेश के कैपिटल क्या है? ढाका। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्टार्टअप के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड स्थापित किया है जो कोविड 19 महामारी का मुकाबला करने में मदद करेगा? ऑप्शन गुजरात, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। ये है विजय रूपानी। और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। और गुजरात राज्य कब स्थापित किए गए? तो 1 मई 1960 में। गुजरात के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? पहला है गीर फॉरेस्ट नेशनल पार्क और दूसरा है मैरीन नेशनल पार्क। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? इड्डीपड्डी के पलनीसामी। और राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। और राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, लोगों को आवश्यक सामान पहुंचाने के लिए किस कंपनी ने टाटा उपभोक्ता उत्पादों के साथ करारा किया है? ऑप्शन डोमिनोस, जोमेटो, स्विगी, ए और बी दोनों। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी। डोमिनोस की सीईओ कौन है? रिचर्ड ई अलीशन। कौन है? रिचर्ड ई अलीशन। और जोमेटो के सीईओ कौन है? दीपिंदर गोयल। कौन है? दीपिंदर गोयल। स्विगी के सीईओ कौन है? श्री हर्षा मजेटी, श्री हर्षा मजेटी। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ जितने भी स्टैटिक जीके फैक्चुअल पॉइंट्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सभी पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने कोविड 19 महामारी के साथ भारत की लड़ाई का समर्थन करने के लिए $500 मिलियन की ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शन एआईआईबी, एडीबी, एनडीबी, आरबीआई। तो इसकी सही उत्तर है ऑप्शन ए, एआईआईबी। एआईआईबी के फुल फॉर्म क्या है? एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एआईआईबी के प्रेसिडेंट कौन है? जीन लिंक्विन। कौन है? जीन लिंक्विन। एआईआईबी के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसके मुख्यालय है बीजिंग चाइना में। और एआईआईबी कब स्थापित किए गए? 25 दिसंबर 2015 में। एडीबी के फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। और एडीबी के प्रेसिडेंट कौन है? मस्तासुगु अशाकावा। और एडीबी कब स्थापित किए गए? 19 दिसंबर 1966 में। और एडीबी के हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक के चीफ कौन है? केवी कमात। कौन है? केवी कमात। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। अगला क्वेश्चन है, किस दिन विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन 11 मई, 10 मई,
8 मई, 6 मई। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, 8 मई। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 10 मई को मदर्स डे मनाया जाता है और 6 मई को नेशनल नर्स डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरिशंकर वासुदेवन का कोलकाता में COVID-19 के कारण निधन हुआ, वह किस पेशे से संबंधित थे? ऑप्शन पत्रकारिता, राजनीति, इतिहासकार, गणितज्ञ। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, इतिहासकार। हरिशंकर वासुदेवन ये इमेज में है। कोलकाता, कोलकाता का है, वेस्ट बंगाल में। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और राज्यपाल कौन है? जगदीप धनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएमआर पार्टनर्स जिसके साथ भारत में खुद का COVID-19 वैक्सीन विकसित करना है? ऑप्शन भारत बायोटेक, स्पेन को बायोटेक, जीनोमिक्स और इंटरग्रेटिव बायोलॉजी संस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत बायोटेक। भारत बायोटेक इंटरनेशनल के सीईओ कौन है? डॉक्टर ई कृष्णा इल्ला। कौन है? डॉक्टर कृष्णा इल्ला। भारत बायोटेक इंटरनेशनल के मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है। आईसीएमआर के फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आईसीएमआर के मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और आईसीएमआर कब स्थापित किए गए? तो 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन पहला 142, 63, 130। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, 63। टॉप पोजीशन पे कौन है? पहला पोजीशन पे तो न्यूजीलैंड है, भारत की है 63, और पहला पोजीशन पे है न्यूजीलैंड। 2018, 19, 20 तीनों साल न्यूजीलैंड टॉप पोजीशन पे है। नॉर्वे की कितने पोजीशन पे है? 9th पोजीशन पे। और यूएई के रैंक क्या है? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वित्तीय संस्थान ने देश भर के राज्य सरकारी बैंकों और आरआरबी को 12767 करोड़ रुपए वितरित किए हैं? ऑप्शन नाबार्ड, आरबीआई, एनएचबी, सेबी। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड कब स्थापित किए गए? तो 12 जुलाई 1982 में। 12 जुलाई 1982 में। नाबार्ड के मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। आरबीआई कब स्थापित किए गए? तो 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई के मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। एनएचबी के फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाउसिंग बैंक। के चेयरपर्सन कौन है? आरबी वर्मा। कौन है? आरबी वर्मा। सेबी के फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी कब स्थापित किए गए? 12 अप्रैल 1992 में। और सेबी के चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के 37th हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी ने रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंध का पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन टाटा पावर एस आई डी, एच ए एल, महिंद्रा एरोस्पेस लिमिटेड, इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, टाटा पावर एसईडी। टाटा पावर एसईडी के सीईओ कौन है? अनिल सरदना। कौन है? अनिल सरदना। और एसईडी ये फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन। एच ए एल ये फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। के चेयरपर्सन कौन है? आर माधवन। कौन है? आर माधवन। हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO और संयुक्त राष्ट्र ने छोटे चेचक के उन्मूलन की कौन सी वर्षगांठ पर डाक टिकट निकाले हैं? ऑप्शन 30वां, 40वां, 50वां, 60वां। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, 40वां। WHO के फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और WHO कब स्थापित किए गए? 7 अप्रैल 1948 में। WHO के मुख्यालय कहाँ है? तो जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। यूएन संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है। और संयुक्त राष्ट्र कब स्थापित किए गए? 24 अक्टूबर 1945 में।
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष कौन है? तिजानी मोहम्मद बंदे। कौन है? तिजानी मोहम्मद बंदे। अगला क्वेश्चन है, आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, किस राज्य ने कोविड 19 उपचार में मानव संपर्क को कम करने के लिए नाइटिंगल 19 और कर्मी बॉट रोबोट का उपयोग किया है? ऑप्शन केरल, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इसका उत्तर मैं आपको कल बताऊंगा डिस्कशन के साथ। ये टोटल कंप्लीट 12 मई 2020 में से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, आप इसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए और अपने सुविधा के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।